सलमान की धमाकेदार एक्टिंग के साथ टैलेंटेड प्रभुदेवा का डायरेक्शन है। रणदीप हुड्डा ने विलेन के किरदार को पूरी शिद्दत से निभाया है। वहीं दिशा पटानी, जैकी श्रॉफ, गोविंद नामदेव, गौतम गुलाटी भी दर्शकों के दिलों में अपनी छाप छोड़ने में कायम हुए हैं। फिल्म को ओवरसीज काफी पसंद किया जा रहा है। फिल्म कमाल कर रही है। विलेन बने रणदीप हुड्डा और सलमान के एक्शन सीन्स की खूब चर्चा हो रही है। फिल्म में कॉमेडी, एक्शन, रोमांस का तड़का फैंस को पसंद आ रहा है। सलमान का स्वैग उनके फैंस को काफी पसंद आ रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर कई लोग फिल्म का बायकॉट करने के लिए लगातार ट्वीट करते भी नजर आ रहे हैं। सलमान खान की इस फिल्म का दर्शकों को 2 साल से इंतजार था। फिल्म का ट्रेलर देखकर लोगों को अंदाजा लग ही गया था कि सलमान खान एक बार फिर दर्शकों का दिल जीतने में सफल होंगे। फिल्म के एक्शन सीन्स कमाल के हैं। वहीं एक से बढ़कर एक डायलॉग लोगों को पसंद आए हैं। भाईजान की मोस्ट अवेटेड फिल्म राधे गुरुवार को 13 मई 2021 को रिलीज हुई। Zee5 के OTT प्लेटफॉर्म Zee Plex पर फिल्म दोपहर 12 ओवरसीज में रिलीज हुई। फिल्म के लिए फैंस को पे पर व्यू के मोड पर देखना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म का सारा प्रॉफिट Zee5 प्लेटफॉर्म को मिलेगा। कोरोना काल में साल भर से सूखे की मार झेल रहे सिनेमा घरों को एक बार फिर नुकसान ही हाथ लगा है। सलमान को राधे के लिए Zee5 ने 170 करोड़ रुपए चुकाए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रिलीज होते ही राधे पायरेसी का शिकार हो गई। फिल्म इंटरनेट पर लीक हो गई। राधे के पायरेटेड वर्जन कई साइट्स और टेलीग्राम ऐप पर मुफ्त देखी और डाउनलोड भी की जा सकती है। पायरेसी को लेकर सलमान ने लोगों से अपील की थी कि फिल्म को सही प्लेटफॉर्म पर ही देखें, पायरेसी से दूर रहें। देश के फिल्म जगत के सबसे बड़े अभिनेता कहे जाने वाले सलमान खान, लाखों लोगों के दिलों की धड़कन कहे जाने वाले अभिनेता सलमान खान अपने फैंस को ईद के मौके पर राधे फिल्म के रिलीज के बाद देश के सभी बड़े सिनेमाघरों में एक साथ उतारा गया। सलमान खान के सभी फैंस इस फिल्म के लिए काफी उत्साहित थे।